अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। इस अम्ल के लिए आपको एक ब्लेड ले लेना है और इस तरह से आपको खाका खींच लेना है। मैं आगे वीडियो में यह नक्श भरना भी आपको बताऊंगा और इस ब्लेड का इस्तेमाल भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इससे दुश्मन पस्त हो जाता है, आपसे खौफ खाता है, आपसे डरने लगता है इस अम्ल के करने से। ये नक्श दुश्मन को सजा देने के लिए बड़ा ही कामयाब तावीज़ है। अगर दुश्मन आप पर बार बार वार करता है, आप पर हमला करता है, आपका दुश्मन आपकी इज्जत का दुश्मन है, आपके कारोबार में रुकावट पैदा करता है, आपका दुश्मन आप पर तरह तरह के जुल्म करता है, नाहक ही वो आपसे दुश्मनी रखता है, आपके खिलाफ झूठी गवाही देता है, झूठी चुगली करता है और आप बहुत परेशान हो चुके हैं, इस दुश्मन से आपका कारोबार करना मुश्किल हो गया है, दुश्मन की वजह से आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जगह जगह दुश्मन ने आपको बदनाम कर दिया है या कर रहा है और आप हक पर और सच पर हैं, तो आप ये अमल करें। आपके इस एक अमल से दुश्मन आपके इस एक अमल से दुश्मन पर आपका रौब होगा, दुश्मन आपसे डरने लगेगा, आप दुश्मन के चंगुल से आज़ाद हो जाएंगे, दुश्मन आपको परेशान न कर पाएगा, आपका कोई नुकसान न कर पाएगा, दुश्मन आपको देखकर आपसे खौफ खाएगा। दुश्मन चाहे आपके जानने वाला हो या अनजान दुश्मन हो, हर तरह के दुश्मन से आप हिफाजत में रहेंगे। ये अम्ल बड़ा ही शक्तिशाली अम्ल है। इस अम्ल की पूरी जानकारी से पहले आप इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि हर परेशान हाल तक ये वीडियो पहुँच जाए, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें जिससे मेरा हौसला बना रहे और मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक अम्ल लाता रहूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इंशाल्लाह नक्श आपको इस तरह से बना लेना है। आपको 8 खाने का एक बॉक्स बना लेना है, एक लंबा बॉक्स ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ आपको बॉक्स बना लेना है। इस तरह से बनाने के बाद आपको मैं बता दूं, इस नक्श को आप किसी भी दिन बना सकते हैं। ये नक्श आपको दिन में किसी भी वक्त बना लेना है, यानी आप ये किसी दिन भी और किसी भी वक्त आप इस नक्श को बना सकते हैं। इस नक्श को आप ब्लैक कलर के पेन से, इस तरह के पेन से लिख लेना है। इस नक्श को आपको ब्लैक कलर के पेन से, काले रंग के पेन से आपको ये नक्श भर लेना है। आपको यहाँ पर 786 लिख देना है। 786 लिखने के बाद आपको यहाँ पर सीन लिख देना है, यहाँ पर आपको मीम लिख देना है, यहाँ पर आपको रे लिख देना है, यहाँ पर हे दो चश्मी है लिख देना है। इसके बाद आपको इसी तरह से इसका उल्टा यहाँ पर हे दो चश्मी है लिख देना है, यहाँ पर आपको रे लिख देना है, यहाँ पर आपको मीम लिख देना है और यहाँ पर आपको सीन लिख देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आपको दो चश्मी है 6 मरतबा लिखना है। हे दो चश्मी है, 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 ये 6 मरतबा आपका हे चश्मी है लिख गया। इस तरह से आपका ये नक्श मुकम्मल हो गया। नक्श लिखने के बाद आपको इस नक्श को और इस ब्लेड को इस तरह से रखने के बाद आपको इसे फोल्ड कर देना है। इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपको इसे किसी चीज़ से कवर कर देना है। कवर करने के बाद आपको ये नक्श आपको हमेशा अपने पास रखना है। आप हमेशा अपने पास इस नक्श को रखें, दुश्मन आपसे खौफ खाएगा इंशाल्लाह। ये नक्श सिर्फ जायज़ मकसद के लिए है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त के साथ।